नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बेल का एंजाइम्स बताना बताएंगे जो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोटास पाया जाता है जो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी लाभदायक है। तो चलिए देखते हैं इसकी विधि कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले इनको हम इनको फोड़ के हम इसके अंदर के गूदे को निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें से कुछ बेलपत्री हमारी ख़राब भी हैं। इन ख़राब बेलपत्रियों को आप निकाल लेंगे। एक्चुअली दोस्तों, हम थोड़ा सा बीच में गांव चले गए थे, इसलिए 10-12 दिन हमने ये ऐसी रख दी। अगर हम ताज़ा निकालते तो शायद अच्छा रहता। आपको सिंपल इनको निकालना है इस प्रकार से, और इसको 10 लीटर या 12 लीटर पानी के अंदर भिगो के रख देना है, और उसमें थोड़ा सा आपको गुड़ डालना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। जितना हम अभी अगर ये निकाल रहे हैं, इसमें कम से कम हमारा क्वांटिटी काफ़ी निकलेगा, तो इसमें हमारा कम से कम 200 से 300 ग्राम हमारा इसमें गुड़ लगेगा। दोस्तों, ये जनरल जो हम एंजाइम्स बनाते हैं उसकी तरह नहीं है कि इसको हमें 90 दिन तक रखना है, फिर खोलना है, ढक्कन गैस बनेगी, क्योंकि ये बल्क मात्रा में काफ़ी बड़ी मात्रा में बन रहा है। इफेक्टिव वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा उस एंजाइम से ये डिफरेंट होता है। इसको हम ऐसे ही 3-4 महीने तक छोड़ देंगे दोस्तों, और धीरे धीरे ये एंजाइम्स हमारा तैयार होता रहेगा। हालांकि बीच में इसमें एंजाइम्स में हम जब छोड़ते हैं तो थोड़ा सा इसमें अंदर वाइट कीड़े भी आते हैं। आपको घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया है, होने दीजिए, वो अपने आप मर जाएंगे। बस आपको कभी कभी बीच में इसको हिलाते रहना है, और एक गार्डन के किसी किनारे पर इसको रख दीजिए, जिससे कि कोई आपको स्मेल वगैरह उसकी ना आए। और उसको ढक के रखना है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। कपड़े से ना ढकें, किसी ढक्कन से ढक के रखें, बारिश वगैरह का पानी उसके अंदर ना जाए। नहीं तो बारिश का पानी अगर 2-3 महीने तक उसमें लगभग जाता रहेगा तो आपका ये ओवरफ्लो भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा ऐसे ढकें कि बिल्कुल ही एयर टाइट ना हो, थोड़ा उसमें हवा जाती जा रही हो, क्योंकि माइक्रोब्स के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल एयर टाइट कर देंगे तब भी वो अच्छा नहीं बनेगा। अब दोस्तों, मैं इसके आपको फ़ायदे गिनाता हूँ। ये देखिए, हमारा जो तैयार हो रहा है, ये ऑर्गेनिक पोटास है हमारा। केमिकल में हम इसको 0050 कहते हैं। जैसे दोस्तों, ये हमारा पोटाशियम है। ये तीन हमारे एनपीके जो है हमारे किसी भी प्लांट के लिए मुख्य भोजन होता है हमारा। आप ये सिंपल वर्ड्स में कहें तो इनके लिए मुख्य चीज़ों की जरूरत होती है, वो होती है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन जो पेड़ों को चाहिए होता है, वो उनकी बढ़ोतरी के लिए चाहिए होता है। किसी भी प्लांट की अगर नाइट्रोजन उसको नहीं मिलेगा तो वो प्लांट आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रोइंग स्टेज में आपको ज़्यादातर नाइट्रोजन डालना होता है, और आजकल जैसे बारिश के दिन है तो बारिश के पानी से ही पेड़ों को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन मिल जाता है, और हवा में भी नाइट्रोजन होता है। प्लांट्स हवा से भी नाइट्रोजन ले लेते हैं, और कई बार हम खाद डालते हैं, अपने घर की खाद डालते हैं या गोबर की खाद डालते हैं, इन सब चीज़ों में हमारा नाइट्रोजन की पूर्ति हमें हो जाती है। ऐसा नहीं है कि खाद के अंदर, हमारे कंपोस्ट के अंदर हमें पोटास नहीं मिलता, लेकिन जितनी मात्रा में पोटास चाहिए होता है, कई बार उतनी मात्रा में हमें ये पोटास नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, इसमें अगर हम गुड़ मिलाएंगे तो गुड़ से हमारे इसमें फास्फोरस भी बन जाता है, तो वो भी एक प्लांट्स के लिए हमारा लाभकारी होता है। तो हमें इसका डबल बेनिफिट हो जाता है, यानी कि थोड़ी मात्रा में हमें इसमें फास्फोरस भी मिलता है, लेकिन इसकी ज़्यादातर मात्रा में हमें पोटास बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये लिक्विड हम इसको जब छान के पेड़ों में हम इसको ज़्यादातर स्प्रे करते हैं। आप चाहें तो इसके घोल को थोड़ा थोड़ा, जब आपका प्लांट बड़ा हो जाता है, जब वेल डेवलप्ड हो जाता है, आप उसमें फूल या फल आने का समय हो जाता है, तो उस टाइम पर इसको डाला जाता है। उस टाइम पर डालने से आपका फल का साइज एकदम बढ़ जाएगा। फल का न सिर्फ साइज बढ़ेगा फल या फूल का, बल्कि उसमें चमक आएगी और अच्छी मात्रा में उसमें फल या फूल आएगा। किसी भी अगर फूल में पेड़ में डाल रहे हैं तो उसमें फ्लावर्स अच्छे आएंगे, फल में डाल रहे हैं तो उसमें फल अच्छे आते हैं। दोस्तों, इवन मैं अपने एडिनियम में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये नेचुरल ऑर्गेनिक के रूप में है, और ऑर्गेनिक चीज़ें हमेशा हमारे लिए बहुत बेनिफिट देती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको बना रहे हैं। आगे देखते बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं कि हम इसको कैसे पानी में मिलाकर आगे इसको हम तैयार करेंगे। आपको पूरी विधि दिखाते हैं। आप भी अपने कुछ बाजार से ला के, ज़्यादा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं भी बनाएं तो 2-4 बेल ले आएँ। दोस्तों, ये बेल आपको बेलपत्री वाले से जो होते हैं, जो बेचते हैं, उनसे मिल जाएंगे, उनके पास, बल्कि उनके पास दोस्तों, मैं इस बारी तो हमें हमारे एक दोस्त ने हमें दे दिया है, उनका पेड़ है। लेकिन अदरवाइज मैं क्या करता हूँ कि किसी बेलपत्री वाले से ले आता हूँ, जो उसके ख़राब होते हैं उनको साइड निकाल देते हैं,
तो उनको 10-20 रुपए दीजिए, आप वो आपको 3-4 बेलपत्री वैसे ही पकड़ा देंगे, और इतना सफिशियंट होता है आपके घर के लिए। ये तो हमारी बहुत अधिक क्वांटिटी में बनने वाला है, 12-14 लीटर मेरा पूरा साल भर से ज़्यादा चलेगा, ये ख़राब नहीं होता है, और मैं इसमें से अपने दोस्तों को भी बांट दूंगा, एक एक लीटर में काफ़ी लोगों को इसमें से दे दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा गुड़ है, हमने करीब 100 ग्राम गुड़ लिया हुआ था, और ये गुड़ का पानी बनाया हुआ था। अब इस पानी को हम, इस पानी में जो हमने एक कंटेनर के अंदर पानी लिया हुआ है करीब 5 से 6 लीटर है, इसे मिला देंगे, जो गुड़ है इसको भी अच्छी तरह से मसल के इसे मिला देंगे। अगर नहीं भी गुड़ अच्छी तरह से मिलता है तो दोस्तों कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे हम ऐसे ही, क्योंकि ये 2-3 महीने हमारा इसमें रहने वाला है, सब मिल जाएगा। उसके बाद जो हमने ये अभी निकाला था दोस्तों, इन सब को हम इस पानी में डाल के अच्छी तरह से उसमें थोड़ा सा मसल देंगे। इस प्रकार से देखिए, आप जितना हो सके उतना इसको मसल दीजिए, आपका जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देंगे तो बहुत समय ले लेता है फिर ये। दोस्तों देखिए, ये हमने इस प्रकार से कुछ मसल के तैयार कर लिया है। इसका कलर देखिए, बिल्कुल जैसे बेल का कलर आता है उसी प्रकार से इसका हल्का येलो इसमें कलर आ चुका है, और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और मिला देंगे। बस 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 इतना पानी मिला के अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको 3 महीने तक छोड़ देना है, और बीच बीच में इसको थोड़ा थोड़ा हम बीच में कभी कभी घुमाते रहेंगे एक डंडी की सहायता से। दोस्तों ये हमारा एंजाइम्स बन के तैयार है, जैसे हम दूसरे एंजाइम्स बनाते हैं उसमें एयर टाइट में बनाते हैं और खोलना होता है, लेकिन ये एंजाइम्स हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, और इसमें हमारा ओपन में है, ये बनता उसी प्रकार से है, थोड़ा उससे कम इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी के लिए हमें इतना छोटा ऐसा कोई कंटेनर हमारे पास नहीं है कि हम उसको टाइट एयर टाइट में रखें और फिर घुमाएं। ये भी लगभग 3-4 महीने के अंदर हमारा तैयार हो जाएगा, और इसकी पूरी अच्छी, बहुत अच्छी तरह से ये बनता है। इसमें बहुत अच्छी बात में खुशबू भी आने लग जाती है, बेल की ही खुशबू आती है। इस प्रकार से हम इसको ढक के रख देंगे दोस्तों। बीच में आपने क्या करना है, इसको 2-4 दिन तो पहले थोड़ा सा हिला लीजिए इसको, सुबह शाम जैसे हम घुमाते हैं 8 से 10 बार सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, इस प्रकार से, और उसके बाद धीरे धीरे कभी 10-15 दिन में 1-2 बार, फिर धीरे धीरे ऐसे भी छोड़ देंगे तब भी ये बनता रहता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक चीज़ इसमें रह गई है, मैं और आपको बता दूं जो उसमें मैं डालूंगा। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है दोस्तों, ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर वेस्ट डिकम्पोजर है तो वो इसमें बहुत जल्दी इसको डिकम्पोज करेगा, उसको भी हम इसमें 1 लीटर के करीब मिला सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास है वेस्ट डिकम्पोजर, मैं 1 लीटर इसमें मिला रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास वेस्ट डिकम्पोजर है ये, और मैं इतना इसमें मिला रहा हूँ। दोस्तों वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर करोड़ों की संख्या में माइक्रोब्स होते हैं जो इसको बहुत जल्दी कन्वर्ट करेंगे, और ये हमारी बहुत अच्छी एक लिक्विड ऑर्गेनिक पोटास तैयार होगी। ये हमारी हमारी करीब 8 से 10 लीटर हमारी इसमें ये बनने वाली है दोस्तों। हमारे तो 3-4, 4-5 लीटर ही बहुत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमें इसकी मिलानी नहीं होती, बस इसको हमने ऐसे रखे एक छायादार स्थान में इसको छोड़ देना दोस्तों। अगर आप भूल भी जाते हैं, नहीं भी घुमाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गैस नहीं बनने वाली क्योंकि ये ओपन है, और बीच बीच में इसमें थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद से जो कीड़े से आ जाते हैं वो आएंगे, उसमें आपको घबराना नहीं है, वो थोड़े टाइम बाद खुद ही अपने आप 1-1.5 महीने बाद खुद मर जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा 3 दिन के बाद है, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, इसमें वाइट वाइट से ऊपर फंगस आ जाएगा, आपको इसकी परवाह नहीं करनी है। और अब इसको हम बीच बीच में जैसे मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से कुछ मिला देंगे इसको, इस प्रकार से इसको बीच में मिला दें 5-7 दिन बाद, इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से सीधा और थोड़ा उल्टा मिलाते हुए इसको छोड़ दें, और इसको हमें कम से कम 3 महीने तक इसको इसी प्रकार से छोड़ देना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि इसमें बरसात का पानी अब ना गिरे। देखिए दोस्तों, अभी इसमें बहुत अच्छी बेल की खुशबू आ रही है, कोई स्मेल नहीं है, स्मेल ये बाद में देगा थोड़ा। तो जब ये 3 महीने के बाद हमारा तैयार हो जाएगा, आपको इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, आपको पहले सब इसको कम्प्लीट छान लेना है, एक कपड़े से छन्नी से इसको छानते हुए इसके रस को अपने बोतलों में, शीशे की बोतल या प्लास्टिक की बोतल जैसे भी है आपके पास, उसको सेव कर लें, और उसको आप पूरे साल भर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगले साल तक भी ख़राब नहीं होता दोस्तों। और हाँ, इस्तेमाल कैसे करना है, अब फिर उसमें से आप इसका सिर्फ 20 ml लेंगे, 10 या 20 ml, 10 ml भी बहुत है दोस्तों। 1 लीटर पानी में लीजिए, मिला लीजिए उसको अच्छी तरह से, और अपने पेड़ों में जिस प्रकार से आप स्प्रे करते हैं इसका स्प्रे कर दें, तो ये आपका बहुत अच्छा पोटास, एक नेचुरल पोटास आपका तैयार होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, कमेंट्स
अपने अवश्य दें जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।